मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुंबई में विश्व विजेता भारतीय टीम की विक्ट्री परेड निकाली गई है। विक्ट्री परेड के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां उनका सम्मान किया जाएगा। ये तस्वीरें मुंबई से आप देख रहे हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा है और स्वागत के लिए, चीयर अप करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तिरंगा हाथ में लिए कई सारे लोग यहां पर झूमते नाचते और टीम इंडिया को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा यहां पर नजर आ रहा है। मुंबई से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बेहद ही खास ये तस्वीरें, उत्साह चरम पर है, फैंस का बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे हैं। ताजा जानकारी आपके पास क्या है, कैसी तस्वीरें वहां पर? देखिए, अद्भुत, अद्वितीय, शब्द कम है। जो भीड़ दिख रही है ये अपने क्रिकेटर्स को देखने के लिए शुभचिंतकों की भारी भीड़ है। यहाँ पर क्रिकेटर जो है सबका अभिवादन कबूल कर रहे हैं, सबको हाथ दिखा रहे हैं, फोटो कैप्चर कर रहे हैं, और जो प्रशंसक हैं वो भी जो है अपने चहेते खिलाड़ी का और पूरी इंडियन टीम को जो है अपने कैमरे में, जो मोबाइल का कैमरा है उसमें कैप्चर करने में लगे हुए हैं। गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं। इसका मतलब यही है कि लगभग 2.5 से 3 लाख लोग जो है इस मरीन ड्राइव पर मौजूद हैं। वानखेड़े स्टेडियम जिसकी क्षमता जो है लगभग 20,000 है, लेकिन अंदर स्टेडियम के लगभग 40,000 लोग मौजूद हैं जो अपने क्रिकेटर्स को देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जो ओपन बस है उसमें तिरंगा झंडा लहराते हुए विराट कोहली सबसे आगे है, रोहित शर्मा है, पीछे जो है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव दिख रहे हैं। तो अपने सारे फैंस, सारे शुभचिंतकों को जो है वो बधाइयां दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबकी दुआ है कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए। वही प्रशंसक भी ये कह रहे हैं कि आप हमारे रियल हीरो हैं, आप चैंपियंस हैं, और जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो लोग क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए आप एक रोल मॉडल है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशंसकों ने की भारी भीड़ है, लाखों लाखों की भीड़ है, और सब अपने चाहते क्रिकेटर्स को अभिवादन दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने ये मौका हमें दिया, एक ऐतिहासिक जीत हमें दिलाई, और इस ऐतिहासिक जीत को आगे भी आप जो है इसी तरह जो है वो जो आगे भी इसी तरह से आप शुरू रखेंगे, और आगे भी चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, आगे भी चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो या दूसरे जो कप है वो भी हमारी इंडियन टीम जीत के आएगी, ऐसा प्रशंसक लगातार जो है अपने फैंस, अपने इंडियन क्रिकेटर से गुहार भी लगा रहे हैं। इतिहास में ये जीत, अमित, ये जीत दर्ज होगी। विक्ट्री परेड जिस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पर तिरंगा और ट्रॉफी के साथ विजय रथ पर सवार होकर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी जब पहुंचे हैं, ये उनका प्रेम दर्शाता है। हमने शाम को भी तस्वीरें देखी थी, पर अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर फैंस, और यहाँ पर खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं। माया नगरी मुंबई कहा जाता है ये, कि मुंबई कभी भी रुकती थमती नहीं है। 24 घंटे मुंबई की सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखाई देता है, और आज यही मुंबई ने साबित कर दिया कि किस तरह से अपने चहेते सितारों, क्रिकेटरों को देखने के लिए लोग सुबह से खड़े हैं। क्योंकि टाइम शेड्यूल से जो है समय ऊपर चला गया था, काफी लेट हो गया था, लेकिन फिर भी लोग हिले नहीं। मैं आपको बताऊं कि 2.5 से 3 लाख लोग मौजूद हैं यहाँ पर मरीन ड्राइव, जहां से ये शुरू हुआ है नैमल पॉइंट से लेके वानखेड़े स्टेडियम। अगर रोड खाली हो तो 5 मिनट भी नहीं लगता आपको पहुंचने में, और आज पिछले घंटे भर से ये रैली निकल रही है, ये विजय जुलूस निकल रहा है, अभिवादन जो है स्वीकार किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो चीज आपने हमें दी, जो दिन आपने दिखाया, इस खूबसूरत पल को जो है हम कभी नहीं भूलेंगे, और अपने चहेते क्रिकेटर्स को जो है ये फैंस अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो लोगों में खासा उत्साह है, उमंग है, जोश है, हर तरफ जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और एक जो महाराष्ट्र की परंपरा होती है, मराठी जो वेशभूषा होती है, उस वेशभूषा में जो है और उस परंपरा को निर्वाह करते हुए लोग यहाँ पर अभिवादन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जो है यहाँ पर अभिवादन किया, उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने जो काम किया है उस पर हमें गर्व होता है। और मैं आपको बताऊं कि जो सूर्य कुमार यादव है, रोहित शर्मा है, और जो दूसरे खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी कल विधान भवन भी जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनका सम्मान करेंगे, और जो विधायक वहां पर है वो भी सम्मान करेंगे। तो अभी कुछ ही देर में ये जो टीम है वो वानखेड़े स्टेडियम पहुंचने वाली है, और चार ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो जनता का प्यार है, जो जनता झूम रही है, ये कहना गलत नहीं होगा
कि ये जनता के झूमने से वजह से, उत्साह दिखाने की वजह से कहीं ना कहीं ताकत इन क्रिकेटर्स को मिलती है और यही ताकत ये मैदान में दिखाते भी हैं, उनकी मेहनत भी और आम जनता का प्यार भी। देखिए निश्चित तौर पे मैंने आपको पहले ही कहा 20,000 की क्षमता का है ये वहां खेड़े स्टेडियम और 40,000 लोग अंदर बैठे हुए हैं, ये प्यार ही तो है। और ये बार बार रोहित शर्मा एंड कंपनी ये कहती रही है कि ये जो हमारे फैंस है इनका प्यार, इनकी दुआ, इनकी मोहब्बत, इनका जोश ये हमें जो है हमारे अंदर एक अलग सा भाव दिखाता है और हम अच्छा खेल पाते हैं। आपको याद होगा जब पिछले साल हम वर्ल्ड कप हारे थे तो किस तरह से आंखों में आंसू थे सारे खिलाड़ियों के और रो रो के लोग जो है अंदर लौट रहे थे, लेकिन आज जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था उस दिन भी आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, वो इस तरह के आंसू थे कि हाँ हमने कर दिखाया। और जब पिछला वर्ल्ड कप हम हारे थे तो जो खबर हमारे पास आई थी कि राहुल द्रविड़ का जो है उसी समय जो है कोच का जो शेड्यूल है वो पूरा हो चुका था, लेकिन वहां पे वो नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने यकीन दिलाया कि आप रुकिए, हम आपको जो है ट्रॉफी जीत के दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा यानी हिटमैन ने अपना वादा पूरा किया और 140 करोड़ जनता को जो प्यार दिया इन्होंने वो प्यार काबिल तारीफ। और उसी प्यार का ये फलसफा है कि आप जहां तक देख रहे हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जनता दिखाई दे रही है, प्रशंसक दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाथों से लोग अभिवादन कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यानी आखिर ऐसा क्या कर दें कि जिससे हमारे चहेते खिलाड़ियों खुशी हो, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। जगह जगह हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पर, लेकिन किसी को परवाह नहीं है कि बारिश चाहे तूफान आए चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपने चहेते खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा को जो है देखना चाहते हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ जो हाथों में जो यहाँ पर उनकी ट्रॉफी है, उस ट्रॉफी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। और मुंबई पुलिस लगातार एक्स पे जो है वो लिख रही है कि प्लीज आप लोग मरीन ड्राइव ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन फैंस है कि बेचारे मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना, टीवी में तो हमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अपनी खुली आंखों से हम अपने चहेते खिलाड़ी को, हिटमैन को, विराट को, सूर्य कुमार यादव को, चहल को, बुमराह को, पांड्या को हम देखना चाहते हैं, साथ में जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती हुई है उस ट्रॉफी को भी हम जीतना चाहते हैं और अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम इस मैच के बारे में बता सके, आप जैसे धुरंधरों के बारे में बता सके, आप जैसे विश्व विजेता के बारे में बता सके। तो कहीं ना कहीं ये फैंस का बहुत सारा प्यार अभी आप देख सकते हैं, राजीव शुक्ला दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, दूसरे जो खिलाड़ी शिवम दुबे वो दिखाई दे रहे हैं, पंत जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, सब लोग चारों तरफ से बस में खड़े होकर अपने फैंस का, अपने शुभचिंतकों का, अपने चहेतों का जो है स्वागत कर रहे हैं, सबको हाथ जोड़ के जो है वो नमस्कार कर रहे हैं, सबका अभिवादन कर रहे हैं। यानी ये जनता जो है इन्होंने दिखा दिया कि कितना प्यार है और क्रिकेट को किस तरह से ये मानते हैं। शिवम दुबे के हाथ में ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वो दिखा रहे हैं अपने लोगों को यहाँ पे। और हिटमैन जो है खड़े हैं और हाथ में तिरंगा झंडा जो है वो लिए हुए हैं, और यहाँ पे पोस्टर लगे पूरी इंडियन क्रिकेट टीम जिन्होंने भारत को ये मौका दिया, ये दिन आज का दिखाया, इस पूरे टीम के पोस्टर चारों तरफ जो खुली बस है उसमें दिखाई दे रहा है, दोनों हाथ जो है नीचे करके जो अभिवादन जो है खिलाड़ी जनता का कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, एक सैलाब, क्योंकि मुंबई जो है तीन तरफ से समुंदर से घिरी हुई है, मरीन ड्राइव के अगल बगल सिर्फ समुंदर है, तो सिर्फ समुंदर दिखाई दे रहा है, और समुंदर के बाहर अगर कहीं जगह है तो सिर्फ ये फैंस दिखाई दे रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए भाग भाग के आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक भी चांस मिस ना हो। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव जिनके कैच ने पूरा मैच पलट के रख दिया, वो लोगों का अभिवादन जो है यहाँ पे कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि वानखेड़े स्टेडियम जो है ये पहुंच चुके हैं, ये गेट जो सामने दिख रहा है उमरी गेट, ये वानखेड़े स्टेडियम का एंट्रेंस है। तो लगभग घंटे भर से ऊपर से जो अभिवादन स्वीकार करते करते अभी जस्ट जो गाड़ी अंदर जा रही है, ये गाड़ी वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जा रही है, फैंस देखिए झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं यहाँ पर, अपने बच्चों को अपने कंधों पर इन्होंने ले लिया है। और ये भी नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे जो है लाखों की भीड़ में है, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, बूढ़े भी खुश, औरतें भी खुश, महिलाएं भी खुश, सब लोग खुश है, सिर्फ खुश, और अपने चाहते खिलाड़ियों को देखते हुए, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को देखते हुए जो इन्होंने सुकून महसूस किया है यहाँ पर, वो सुकून जो है कहीं और नहीं मिल सकता। ठीक अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, खास तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे हम, ये देखिए चार तस्वीरें, और किस तरह का उत्साह चरम पर है क्रिकेट प्रेमियों में, और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं
विजेताओं को देखने के लिए, ट्रॉफी देखने के लिए और साथ ही साथ अभिवादन किस तरह से क्रिकेटर्स करते नजर आए, ये भी हमने आपको दिखाया। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य खबरों का जिक्र करेंगे। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। धनेली के खेत में गड़ा नकली होलोग्राम का जखीरा बरामद किया गया। ईओडब्ल्यू ने खेत से 5 कार्टून नकली होलोग्राम बरामद किया है। सबूत मिटाने के लिए नकली होलोग्राम को जलाने की आशंका भी है। शराब घोटाले के आरोपी अनवर डेबर के पिता के नाम पर खेत है। ईओडब्ल्यू ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है इस पूरे मामले में। शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। होलोग्राम का जखीरा बरामद किया गया है और साथ ही साथ इस पूरे ही मामले में अब और ज्यादा गहनता से जांच हो रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई जो है की गई है और साथ ही साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, साथ ही साथ ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तारी भी की है, ज्यादा जानकारी आपके पास क्या है? होलोग्राम बड़ी मात्रा में बरामद किया गया। जी देखिए, अनुराग, दीपक और अमित 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरह से यूपी एसटीएफ की टीम है नकली होलोग्राम घोटाले मामले में अनवर डेबर को लेकर के वहां पर पूछताछ कर रही है, उनके हिरासत में उन्हें लिया गया है और जिस तरह से वहां पर कोर्ट से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में लेकर के पूछताछ कर रही है, तो दूसरी ओर नकली होलोग्राम का एक महत्वपूर्ण जो सुराग है, जो सबूत है, वो हाथ लगा है। 6 फीट जो गड्ढे पे जो नकली होलोग्राम है उसके जले हुए अवशेष है वो भी मिले हैं, उसके रोल है वो बरामद हुआ है और बकायदा एसीबी ओडब्ल्यू की टीम ने निशानदेही पर यहाँ पर खुदाई की है। जेसीबी की वीडियोग्राफिंग भी खुदाई की कराई गई है और ये अहम जो सबूत हैं वो मिले हैं। इससे पहले भी आरोपी है या फिर उनके बचाव पक्ष के वकील है लगातार ये दलील देते रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, जबरन इसे बनाया गया है, फंसाया गया है। तो इस नकली होलोग्राम के मामले में और खास करके जो आरोपी है उनके पिता के खेत में ये अगर बरामद हो रहा है तो एक अहम सबूत इसे कहा जा सकता है और इससे जांच की दिशा को, जांच में एक नई दिशा तय करेगा और आने वाले समय में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी है वो हो सकती है। एक बड़ा सबूत और बड़ी कार्रवाई इसे कही जा सकती है। इससे पहले भी दर्जनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ भी हुई, लेकिन एक एक करके अहम सुराग हैं वो मिल रहे हैं। इससे पहले भी ईडी के और जो एसीबी ओडब्ल्यू के वकील हैं वो कहते रहे हैं कई जो आवश्यक जो सबूत है, दस्तावेज हैं, वो एक एक करके हाथ लग रहे हैं। तो आने वाले समय में अपना और भी इस मामले का खुलासा हो सकेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है की गई है, साथ ही साथ ईओडब्ल्यू ने टीम की गिरफ्तारी भी की है। अब ये कहा जा रहा है जो गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बीजापुर का जिक्र करते हैं। पीडीएस का अनाज जो जब्त किया गया है, गल्ला व्यापारी के घर से 111 बोरी अनाज बरामद किया गया। पीडीएस का चना और 50 क्विंटल गुड़ जब्त किया गया। 4 लाख से ज्यादा का चना और गुड़ जब्त हुआ है। पुलिस ने गल्ला व्यापारी के घर रेड मारी। कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो व्यापारी के घर से 111 बोरी अनाज बरामद किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा का चना और गुड़ भी बरामद किया गया। गल्ला व्यापारी के घर पर रेड मारी गई और भारी मात्रा में यहां पर जो है अनाज रखा हुआ मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। अब इस पूरे ही मामले में पूछताछ भी हो रही है, जांच भी हो रही है, साथ ही साथ कलेक्टर ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बीजापुर का हम जिक्र कर रहे हैं जहां से अनाज जब्त किया गया है। पीडीएस का ये अनाज था जिसे जब्त किया गया है। व्यापारी है, इसके यहां पर रेड डाली गई और व्यापारी के यहां से 111 बोरी जब्त की गई है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रेड मारी गई और रेड में ये बड़ी मात्रा में जो है बोरियां पाई गई हैं अनाज की। पीडीएस का ये अनाज था जिसकी बरामदगी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, व्यापारी के यहां से पीडीएस का अनाज जब्त किया गया है, भारी मात्रा में अनाज जब्त किया गया है, कब से
ऐसा ही तस्वीरें थी, जांच पड़ताल में कुछ सामने आया होगा, साथ ही साथ अधिकारी जो पहुंचे उनका क्या कुछ कहना है? जी हाँ, आपको बता दूं कि एक बीजापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, इसे सफलता के रूप में ही देखा जा रहा है, क्योंकि जो पीडीएस का चावल, चना और गुड़, इसकी लंबे समय से कालाबाजारी जारी है। इस कालाबाजारी के ऊपर नकेल कसते हुए पुलिस विभाग ने एक व्यापारी के घर में, गल्ला व्यापारी है जो, उनके घर में दबिश दिया, जिस दबिश की कार्रवाई में कलेक्टर भी पहुंचे वहां पर, कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि शासकीय खाद्यान्न के अपराध तफरी करने वाले अधिकारी व्यापारी बक्से नहीं जाएंगे, और साथ ही एसडीएम ने भी अपने बाइट दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्षेत्र है दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, यहाँ पर लंबे समय से कालाबाजारी जारी है पीडीएस के चावल की बात करें, चाहे गुड़ की बात करें, चाहे चना की बात करें, क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आता है, यहाँ पर जो एक तस्कर का गिरोह है वो तो सक्रिय गिरोह, ऐसे गिरोह जो है कि जिनकी पकड़ बहुत पैनी होती है, ऐसे लोग चना, गुड़ और चावल का व्यापार करते हैं, जो काली बाजारी करते हैं, जिस पर पुलिस का नकेल कसा है और आगे कार्रवाई की बात की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। कांकेर में आंगनबाड़ी केंद्र की छत का प्लास्टर गिर गया। आंगनबाड़ी केंद्र में यहां पर बड़ा हादसा होते होते टला है। हादसे के वक्त आंगनबाड़ी केंद्र में कोई नहीं था, आंगनबाड़ी केंद्र बंद था। जर्जर हालत में कोटगांव का आंगनबाड़ी केंद्र है और अब जाकर के छत का हिस्सा गिरा है, प्लास्टर गिरा है, और शुक्र ये है कि उस वक्त कोई नहीं था, आंगनबाड़ी केंद्र बंद था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जगदलपुर में मुख्यमंत्री शाला जतन योजना की पोल खोलती तस्वीर देखने को मिली है। मामला छोटे गुडरा प्राथमिक स्कूल का है, जहां बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे थे, तभी स्कूल की छत भरभराकर बच्चों के ऊपर गिर गई। इस हादसे में 5 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें आनंद फानंद में तोकापाल CHC में भर्ती कराया गया। बता दें कि यह स्कूल 15 साल पुराना है, जिसकी मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। नए शिक्षा सत्र के पहले जो स्कूलों का निर्माण किया जाता है, मरम्मत किया जाता है, उसमें लाखों करोड़ रुपए लगाए जाते हैं। बावजूद इसके कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसके नाम मरम्मत के नाम से भले ही रुपए आहरण कर लिए गए, लेकिन घटनाएं रुकी नहीं है। आज एक बड़ी घटना हुई है, ये डोडरेपाल दरवा ब्लॉक का स्कूल है। यहाँ पर जब बच्चे 1 से 5 के बच्चे जो पढ़ रहे थे, अचानक जो ऊपर का छत है वो भरभरा के गिरा और बच्चों के ऊपर गिरने से 5 बच्चे घायल हो गए और सभी घायल बच्चों को तोकापाल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भर्ती कराया गया है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ग्रामीण, इनसे बात करिए। दादा, ये स्कूल कब का है? ये स्कूल सर 1987 में बना सर, पुराने स्कूल। ये वाला ये सर अभी इसमें सर 13-14 साल हो गया सर, पिछले सरपंच था। छत का निर्माण कैसे हुआ था? छत का निर्माण सर जो बल्ली के साथ सीमेंट डाले सर, उसमें अब सरपंच लोग बनाए थे। पिछले बार मैं इसी स्कूल में पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो इसमें मैं सरसियों के लिए भी नियुक्त करके दिखा, तो गांव के लोग मुझे नहीं सहमत। अगर अच्छा बना और तो गिरता क्या? नहीं गिरता। कितने बच्चे घायल हुए? इसमें 5 बच्चे घायल हो गए सर। तो जब गिरा तो बच्चे की हालत कैसी थी? वो सिर में लग गया सर, उसमें टांगन लग गया सर, दर्दनाक एकदम, खून बह गया सर। तो कह सकते हैं ऐसे में जो शिक्षा सत्र है, शिक्षा सत्र के पहले बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देनी होती है, अच्छी सुविधाएं देनी होती है, और सुविधाएं किस प्रकार दी जा रही होगी जिससे ये आज एक घटना घटी है। अब देखना होगा इस घटना के संबंध में क्या किसी के ऊपर लापरवाही की कार्रवाई की जाती है, जाँच होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। श्रीनिवास नायडू, News 18 तोकापाल दरबा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रायपुर के News 18 कार्यालय पहुंचे और इस दौरान मीडिया और चैनल के कामकाज को जाना, साथ ही News 18 के खबरों के निष्पक्षता से दिखाने और जनहित में उठाए गए सार्थक मुद्दों और कामकाज की सराहना की। इस दौरान स्टेट एडिटर अभिषेक शुक्ल समेत News 18 के सभी स्टाफ के लोग मौजूद रहे।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की, बेहद खास तस्वीरें जहां पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रायपुर के न्यूज 18 कार्यालय पहुंचे और इसी दौरान कामकाज किस तरह से चैनल में होता है इसे जाना, साथ ही खबरों की जो निष्पक्षता के साथ हम खबर दिखाते हैं उसकी सराहना भी उन्होंने की है और पूरे ऑफिस में वो घूमे, एक एक चीज जानी, सबसे मुलाकात की और कामकाज की सराहना भी उनके द्वारा की गई। इसी दौरान स्टेट एडिटर अभिषेक शुक्ल समेत न्यूज 18 के स्टाफ के सभी लोग मौजूद रहे।